हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ छोटी मछली की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर ली हूँ नमक हल्दी लगा के। और कल की वीडियो आप देखे होंगे, तो कल ही मैं बनाई थी, तो वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको मतलब जो है डिवाइड कर दी हूँ। तो आधा मैंने कल अपलोड कर दिया और आज मैं आधा मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये मैं सिलबट्टे में मसाला पीसी थी, मतलब जो है अदरक लहसुन पेस्ट और जीरा पेस्ट। तो सिलबट्टे के जो है वो क्लिप हो गए हैं, मिस हो गए हैं, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद मैंने डाले कलौंजी। तो आप चाहे तो यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ। इसके जो टेस्ट है काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसकी अगर आप कुछ वीडियो समझ में नहीं आएंगे, तो आप कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जो कतला फिश की रेसिपी है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम जो है इसको कलौंजी को अच्छी तरीके से लाल कर लेते हैं। यहीं पे जो मैं मसाला पीस के रखी हूँ वो सिलबट्टे में, तो सिलबट्टे के मसाला पीसे हुए पहली बार बना रही हूँ मैं। वैसे हमेशा बनाते रहती हूँ, लेकिन वीडियो में पहली बार मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में जीरा मैंने पीसे थे, जीरा भी मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी, और बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है मसाला को फ्राई कर लेंगे। और बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें। तो मैं दो टाइप की मछली बनाई थी, एक बड़ी मछली बनाई थी, एक छोटी मछली बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है तीखा वाली, तो थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि नॉन वेज जो है थोड़ा चटपटा अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दी हल्दी कलर के लिए, हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे हल्दी मिर्च मैंने ऐड कर दिए, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। टमाटर ऐड किए हैं, देन और थोड़ा सा नमक। मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं, और मिक्सी में पिसे हुए मसाले आपको समझ में आ ही जाते हो, सिलबट्टे में पिसे हुए। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसको मसाले को फ्राई करूँगी। थोड़ा धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिए हैं। तो मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के मसाला अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, और टमाटर थोड़ा सा गलाना है। और बने थे बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त सब्ज़ी बन के तैयार हुए थे, सिलबट्टे के पिसे हुए जो है ना, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मैसेज करते हैं, नाम मेंशन करना भूल जाते हैं, प्लीज़ नाम मेंशन किया करिए, आप लोग किस जगह से बोल बात करते हैं भी बताया करिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी, क्योंकि वो मैंने नहीं पीसी थी, मसाले में साबुत नहीं थे मेरे पास, पीसे हुए थे, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर को अच्छी तरीके से गलाएंगे, उसके बाद मैं जो है पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। तो बहुत जन सूखा मछली भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सूखा मछली, यहाँ पे मैं थोड़ी सी पानी डाल के और जो टमाटर है और मसाले अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट मछली बन के तैयार हुए थे ये। तो जो है छोटी वाली मछली के जो टेस्ट है काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे नाम मुझे नहीं पता कौन सी मछली है, आप लोग को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका मछली का क्या नाम है। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे ग्रेवी रखने हैं पतले पतले, क्योंकि चावल के साथ ग्रेवी अच्छे लगते हैं। आप रोटी के साथ खा रहे हो तो थोड़ा हल्का ही ग्रेवी आप रखिए, तो मैं यहाँ चावल के साथ लोग खाऊँगी, तो इसलिए ग्रेवी थोड़ा सा पतला रखूँगी, अच्छे लगते हैं। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला को मैं इसलिए अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, और आप देख पा रहे होंगे तेल भी अच्छी तरीके से निकलने लग गए हैं। इसी तरीके से टमाटर को भी मैं कलछी की मदद से ही थोड़ा मतलब भूनती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मसाला फ्राई हो गए थे, एकदम जैसे मुझे चाहिए थे, बिल्कुल उस तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। और यहाँ पर आप थोड़ी देर पकने के बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, तो पानी मुझे जितनी चाहिए उतना ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मसाले का कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त आए हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी, पानी मैंने इतना ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं। और मैंने यहाँ पे दो मिर्च हरी मिर्च बीच से कट करके डाले थे। यहाँ पे देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे, उसके बाद मैं मछली ऐड करूँगी, जब पहले नहीं ऐड करूँगी। तो इसको एक बॉयल आने देते हैं, एक बॉयल आने के बाद ही मैं मछली यहाँ पर डालूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं डाल चुकी हूँ, और डालने के बाद इसको कम से कम दो चार मिनट तक बॉईल होने दूँगी। तो चलिए बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। और ये बने थे बहुत ज़बरदस्त, आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैंने मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन और जो है जीरा गोलमरीच ये सब ऐड किए हैं।
तो यहाँ पे देखिए फाइनली मछली में जो है बॉयल आ गए हैं, तो और बने हैं कितने ज़बरदस्त। तो इस तरीके से बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए। कैसा लगा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए तो ज़रूर बताइएगा, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।